एमएस नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़। ओम कॉमेट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूल गली पीर वाली गली हापुड़। मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन। नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। पीड़ित परिवार के सम्मान में समाजवादी मैदान में, पीड़ित परिवार के सम्मान में समाजवादी मैदान में, पीड़ित परिवार के सम्मान में समाजवादी मैदान में, पीड़ित परिवार के सम्मान में समाजवादी पार्टी में जाएंगे। 6-7-2-4 उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने जरूरतमंद लोगों को अपने एजेंटों द्वारा ऋण दिलाकर गरीबों को किया जा रहा परेशान और किया जा रहा उनका उत्पीड़न। ऋण न चुकाने पर एजेंट करते हैं परेशान और कुछ लोगों ने एजेंटों से परेशान होकर अपनी जीवन की लीला कर ली समाप्त। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला जनपद हापुड़ की तहसील धोलाना के गाँव सपनावत में एजेंटों से परेशान होकर एक ही परिवार के माता पिता व पुत्री ने एक साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने मिलकर और समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर और पार्टी के कार्यकर्ता व पीड़ित परिवार ने एक साथ मिलकर जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को ज्ञापन पत्र सौंपा। दिए गए ज्ञापन में पीड़ित के परिवार के लिए सरकार की तरफ से 4 बातों के लिए बात रखी गई, जो निम्न प्रकार से है। 1, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 आवास मिले। 2, पक्की नौकरी। 3, ग्राम पंचायत द्वारा 5 बीघा कृषि भूमि का पट्टा। 4, सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन सौंपने से पहले समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा से पीड़ित परिवार के बारे में बात की। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर को। कराई है और हमने डीएम साहब से इनके संबंध में मांग की है कि इन्हें कोई कृषि भूमि का 5 बीघे कम से कम भूमि का कोई पट्टा डीएम साहब उपलब्ध कराएं प्रशासन के माध्यम से। और एक प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके माध्यम से एक ने आवास भी इनका ख़राब, बिल्कुल जर्जर हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन है इन लोगों की। इनको एक आवास दिया जाए, इनकी मदद हो, इन लोगों की आर्थिक मदद भी हो, ताकि ये अपनी कोई जीविका चला सकें। अब ये 2 भाई बचे हैं, माता पिता का साया इनके सर से उठ गया है, तो हम चाहते हैं कि इनको दोनों भाइयों में से किसी एक भाई को तो कम से कम एक कहीं नौकरी दी जाए, ताकि ये अपना परिवार चला सकें। उसी के साथ साथ मैंने एक डीएम साहब को एक और प्रकरण में अवगत कराया है कि ये जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनियां हैं, उस तरीके के महिलाओं के ग्रुप भी जिले में बने हुए हैं, जो गाँवों में और शहरों में महिलाओं का एक समूह बना के और एक महिला को हेड बना के किस्त के रूप में पैसा बांटते हैं और किस्त के रूप में उगाही करते हैं। उनका इतना बड़ा आतंक है उन लोगों का, वो अगर किसी की किस्त एक दिन भी किस्त लेट हो जा तो उसके घर से सामान उठा के ले जाते हैं, उसके गैस का चूल्हा, चारपाई, वो उस तरीके का सामान उठा उठा के वहाँ से ले जाते हैं। दो तीन बार तो मैं लोगों के सामान वापस पुलिस के माध्यम से करा सका हूँ, और मैंने इसी के माध्यम से डीएम साहब को अवगत कराया है, बताया है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर वो पैसा अपना रिकवर चाहते हैं, रिकवरिंग के लिए हम मना नहीं कर रहे, रिकवर ना करें, लेकिन इतना परिसर ना बनाएं उन महिलाओं के साथ, इतना अत्याचार उन लोगों पर ना करें गरीबों पर कि जितना वो कर रहे हैं। आके बैठ जाएंगे दो दो तीन तीन चार चार सुबह, ना तो उनका टाइमिंग है कोई, वे सुबह 5-6 बजे आ जाएं, रात को 10 बजे आ जाएं, उनके घर में घुस जाते हैं। कई तरह की पैर पूर्व में घटना हो चुकी है और आगे भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, इसलिए हमने डीएम साहब को अवगत कराया कि उनके खिलाफ भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हमने एक प्रार्थना पत्र जो उन्हें दिया है, अपना ज्ञापन दिया है, उसी को उन्होंने आदेश करे हैं कि मैं एसडीएम महोदय के माध्यम से सब चीज़ों की इनकी ग्रुपों की जाँच कराती हूँ और इन पर कार्रवाई करूँगी। डीएम साहब ने इसमें आश्वासन दे रही है कि हमने इनके लिए राहत प्रदान, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन भेज दी है, जो इनकी मदद वहाँ से होगी। और हमने आवास के लिए विशेष जोर दिया कि प्रधानमंत्री आवास इनको दिया जाए,
उसके लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसका जो फार्म भरा जाता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, मैं इसका बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और इन्हें प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा। नौकरी के लिए भी मैंने डीएम साहब ने कहा कि सरकारी नौकरी तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी के लिए डीएम साहब ने आश्वासन हमें दिया है कि हम एक बेटे को इनके को प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवा दें। जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के बाद समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत ने भी जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा से पीड़ित परिवार के लिए बात की। सुनते हैं समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत को, उनका क्या कहना है। देखिए, अभी धोलाना विधानसभा धोलाना के गांव सपनावत में पिता ने, माँ ने और बेटी ने, तीनों ने जहर खाकर आत्महत्या करी है। आज की डेट में कोई अपने सुई तक नहीं चुबा सकता, इतना दर्द होता है, जान लेना कितने क्या काम है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये दो बच्चे बचे हैं उनके, एक ये बेटा है और एक हमारे साथ है, ये इधर है, एक इसमें पढ़ा हुआ है एक कम पढ़ा हुआ, घर की हालत इनकी जर्जर हुई पड़ी है। हम तो डीएम साहब से मांग करने आए थे कि एक इन्हें घर मिले, सरकारी नौकरी हो और कहीं कोई किसान का छोटा मोटा कोई टुकड़ा मिल जाए इन्हें, 2 बीघे का, 4 बीघे का, 5 बीघे, जिससे ये अपना जीवन व्यतीत कर सके, गेहूं के माध्यम खाना पीना जो भी कुछ इनका हो सके वहाँ से। तो आश्वासन डीएम साहब ने आश्वासन तो दिया, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आश्वासन बस आश्वासन ही रहेगा। ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने आत्महत्या की? इनके पिताजी ने एक लोन लिया था, लोन वो चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं था, नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों ने कुछ दिन पहले तो इनके छोटे बेटे को 4-6 घंटे पकड़ के बंद रखा लोन वालों ने, और गांव के 2-4 आदमी गए, उन्होंने जिम्मेवारी ली कि हम तुम्हारा लोन चुकवा देंगे, इसे छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ा, घर आके घर का ताला लगाना, घर के बाहर बैठ जाना कुर्सी डाल के कि जब तक पैसे नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। आस पड़ोस के लोगों से बेचारे को शर्म लगती थी, तो इस कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या करी। जैसे उनका उत्पीड़न क्या ये RBI के नियम के अनुसार विरुद्ध है, तो इसके बारे में आपने जिलाधिकारी को बताया, अवगत कराया इस बारे में आपने? जी, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बिल्कुल अच्छे से अवगत कराया, उन्हें डीएम साहब को सारी चीज़ें बताई, कि कंपनियों के नाम भी बताए कि ये लोग इस तरीके से लोन देते हैं, लोन के नाम पे पहले जब लोन चुकाने भी जाता है ना आदमी, तो ये जितना लोन होता उतना ही बकाया रह जाता है क्योंकि ब्याज के नाम पे वो सारा का सारा वसूल लेते हैं अपनी कीमत। तो जिलाध्यक्ष जी ने, जैसे कि हमारे ने बहुत अच्छे से बताया, बबली प्रधान जी ने डीएम साहब को अवगत कराया और उनकी समझ में भी आई ये सारी बातें, और उन्हें पता भी है, उसके बावजूद भी जो एक्शन लेंगे अब उनके हाथ में, क्या एक्शन लेते हैं। जैसे अभी आप भी मीटिंग में मौजूद, तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने? भाई, ये कहा कि मुख्यमंत्री योजना से जो 5 लाख रुपए आने वो 1 महीने के अंदर आ जाते हैं, और घर की जो कि इन्हें रिपोर्ट गलत दी गई है कि इनका अपना घर है, इनका अपना घर तो है पर उसकी जर्जर हालत है, अगर जो वो वैसे ना मरते लोन से पीड़ित तो कुछ दिनों बाद बारिश से शायद वो घर टूट जाता, और घर गिरने के बाद शायद उसमें ये सोते रहते। आज 3 की मौत हुई है, कल शायद 5 के 5 पूरा परिवार उसमें दब के रह जाता। तो मैंने तो डीएम साहब से ये कहा कि कम से कम मुख्य प्रधानमंत्री योजना से जो मकान बन रहे हैं उनमें से एक इनको मकान मिल जाए तो ये अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे अच्छे से। ATC फास्ट व कॉस्मिक न्यूज के लिए बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। JMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. Group of Institutions Harper is a top-notch institution in the whole gamut of NCR Delhi. JMS Sansthan KG2 PG National Highway 9 Hapur. One time for my body. Two time for my
कोरल मार्ट, घर का सारा सामान ऑनलाइन से भी सस्ता। फाइनेंस की सुविधा कोरल मार्ट, निकट ज्ञान लोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल ATC फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।